स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सोमवार को महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का लोकार्पण महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 6,88,000 है। इसमें 5 सीटेड शौचालय के साथ सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन, फीडबैक मशीन, रीडिंग रूम भी बनाया गया है, जिसमें केवल महिला लाभार्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि महिला जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मांग पर नगर निगम द्वारा यह पिंक टॉयलेट बनाया गया है तथा सरकार टॉयलेट बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि महिला जिला अस्पताल ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर आए हुए महिला मरीज या किसी भी महिलाओं को परेशानी ना हो। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव सहित अन्य डॉक्टर एवं नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चिकित्सालय में एक 5 सीटर पिंक टॉयलेट डॉक्टरों की मांग पर बनाया गया है नगर निगम द्वारा। सरकार टॉयलेट बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त, CMO साहब, चीफ इंजीनियर, स्थानीय पार्षद, सभापति, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और पूरी तरह से सफाई है। यहाँ पिंक टॉयलेट बनाया गया है कि हमारी जो महिलाएं आती हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये भारत सरकार की योजना है, इसको हम लोग, मैंने चीफ इंजीनियर से कहा है, इसको मेंटेनेंस के लिए एक आदमी नियुक्त किया जाए जो हमेशा इसको साफ सुथरा और रखे, तब्बे जाकर इसका लाभ महिलाओं को यहाँ मिलेगा। इसी के लिए आज का आज लोकार्पण किया गया है सभी लोगों के द्वारा।